खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 2017 के बाद से प्रदेश की छवि बदली है। भाजपा सरकार में प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में सुधारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कल एक घंटे का भाषण दिया, ऐसा लग रहा था कि चुनावी भाषण है। जनता ने भाजपा का काम देख कर ही हमें फिर से जिताया है। 2022 में भाजपा को मिला जनादेश उस सम्मान का प्रतीक है जो जनता ने हमें दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, भाजपा सरकार के कारण आज यूपी दंगा मुक्त हो चुका है, प्रदेश में कानून का राज है। यूपी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं, पर इसके पहले क्या होता था सब जानते हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार न होती तो चुनाव में हिंसा हो जाती। प्रदेश में 1,54,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है। आगे सीएम ने क्या कुछ कहा, देखिए लखनऊ से सत्यवान सिंह की रिपोर्ट। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था, और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है, कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।